जबलपुर की पूर्व विधानसभा की जंग रोचक हो गई है। यहां पर AIMIM ने गजेंद्र सोनकर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। गजेंद्र सोनकर की जमीनी पकड़ काफी मजबूत पाई जाती है और इस लिहाज से उनको टिकट दी गई है। तो ये काफी रोमांचक मुकाबला होगा। गजेंद्र सोनकर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। गजेंद्र भाई, आपको टिकट मिली है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग में तो आपने काफ़ी काम किया। सबसे पहले मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को उन्होंने जो सम्मान दिया है। मैं और पूर्व विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता उन्हें इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती है। और हमारे बीच में जो है, सबसे पहली चीज़ है, जनता के बीच में हम लोग शिक्षा एवं शिक्षित बेरोजगार और पूर्व विधानसभा क्षेत्र में जो जल संकट है, उन समस्याओं को लेकर जा रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से जो पूर्व विधानसभा क्षेत्र है, तमाम पार्टियों के विधायक आए एवं गए, पर किसी के भी घर में, माँ नर्मदा के किनारे हमारा शहर बसा हुआ है और शहर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोग हमेशा ही एक जल का अभाव अपने घर में महसूस करते हैं। जिसके लिए आपने देखा होगा कि मैं पूर्व में भी जमीनी स्तर पर मैंने बहुत प्रयास किए, पूर्व की कई धनी बस्तियों में पाइपलाइन पहुंचाने का काम किया था, चाहे प्रशासन हो चाहे प्रशासन हो, हर प्रकार के लिए मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन एवं प्रदर्शन करते रहे। कांग्रेस और BJP से मुकाबला होगा, जाहिर सी बात है, ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं, क्या रणनीति आपकी है? हमारी अब हम तो ये मीडिया के सामने कुछ ऐसी हैं नीति अभी सार्वजनिक नहीं कर सकते, पर हमारा ग्राउंड लेवल का वर्क लगभग कंप्लीट हो गया है। हम लोग एक या दो दिन के बाद कल ही कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता की जितनी भी पूर्व में हम लोग जनता से जुड़ी समस्याएं थी उसके लिए तो हम लोग काम कर ही रहे थे, और हम लोग जनता के बीच में जाकर जो काम किए हैं और जो उनके लिए पहले हम लोगों ने जैसे आधार कार्ड के कैंप हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, जनधन योजना हो, और भी जितने भी हम लोगों ने कैंप के माध्यम से लोगों को तक जन सेवाएँ को काम पहुँचाना थे उसको किए हैं। हम लोग जनता के बीच में जाकर उसी के और अपने जो आने वाले दिनों की रणनीतियाँ, जैसे शिक्षा और शिक्षित बेरोजगार और जल संकट जैसी जो समस्या है पूर्व विधानसभा की, उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। देखा जाता है कि AIMM ज़्यादातर मुस्लिम उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारती है, लेकिन आप हिंदू कम्युनिटी से हैं, शायद यही वजह है कि आपके व्यापक जनाधार को भी पार्टी ने देखा है, और आपका जो पुराना बैकग्राउंड है, आप कांग्रेस पार्टी में भी रहे, शायद इसी वजह से आपने जो कार्य किया है पूर्व विधानसभा में उसको देख कर ये टिकट दी गई। सबसे पहली चीज़ मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो कहना है कि AIM एक तो सर्व समाज सर्व दल की पार्टी है, शिक्षित शिक्षा के लिए पहले काम करती है और रोजगार के लिए काम करने वाला संगठन है, और वह किसी जाति विशेष के लिए नहीं, वह हिंदुस्तान की सर्व जाति के जो लोग हैं उनके लिए न्याय मान सम्मान की लड़ाई लड़ती है। और जिस तरह से विभागी से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो हमारे लोकसभा है उसमें सभी दल सभी जाति समाज के लोगों की विभागी से बात रखते हैं, उसमें कोई एक ही कम्युनिटी तो नहीं आती, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, गरीब हो, दलित हो, सभी के लिए वो सभी अधिकारों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम लोगों को आने वाले दिनों में उनके इस मिशन को और आगे ले जाएंगे। आप पे भी काफ़ी चक्रव्यूह रचा गया था, ये तमाम चीज़ें सामने आई थी, अब चुनावी जब मैदान में है तो आपको नहीं लगता कि आप जब उतरेंगे तो इन चक्रव्यूह से भी आपका सामना होगा? जी, आप सब मीडिया के लोग हैं, आप लोगों ने पहले भी मेरा साथ दिया, और मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं बताना चाहता, आप लोगों को पूरे शहर का, आप लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है, आपको पूरा सच और पूरा झूठ सब पता हुआ, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, इन सब चीज़ों को आप जानते हैं, किसने कितने षड्यंत्र रचे, चाहे एक शहर के कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, ये शहर के सब लोग मिलजुल कर जमीनी स्तर के लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ने देते, और ये सब एक हैं। अभी हम लोग आने वाले दिनों में सब मिलके सभी, चाहे पूर्व विधानसभा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित, सब मिलकर सभी जाति सभी धर्म के लोगों के बीच में जाएंगे और हम लोग अपनी बातें रखेंगे और इन दोनों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो गजेंद्र भाई ने साफ कर दिया है कि ये सभी समाज के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि मेरे साथ किस तरह से अन्याय हुआ है इन्हीं तमाम मसलों को लेकर, और मैं शुरू से जमीनी तौर पर काम करता रहा हूँ और पूर्व विधानसभा मेरी अच्छी पकड़ है, लिहाजा मैं जनता के आशीर्वाद से ही चुनावी मैदान में उतरा हूँ। कैमरा पर्सन संदीप मनवारी के साथ विवेक तिवारी, पंजाब KCTV जबलपुर।